नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर, लापरवाही सबसे पहले विद्युत विभाग की है सर, इसलिए क्योंकि हर कोई आता है इधर से, हर चीज़ के लिए आएगा, रीडिंग लेने के लिए आएगा, कोई चीज़ बिल नहीं भरोगे तो उसके बोलेंगे मीटर काट देंगे, इस चीज़ के लिए हमेशा टॉर्चर किया जाएगा। हाई वोल्टेज केबल के करंट से 10 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, नाला सुपारा के धानी विभाग परिसर की है घटना। पतरा शेड पर अटकी हुई बॉल को निकालने के समय हुआ हादसा, बिजली तारों में बच्चे के बाल चिपकने के कारण लगे करंट की वजह से हुई बच्चे की मौत। नाला सुपारा पूर्व अंतर्गत धानी विभाग परिसर के राशिद कंपाउंड से कल एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां चाली के पतरा शेड पर गेंद उतारने चढ़े 10 वर्षीय बच्चे की हाई वोल्टेज केबल के संपर्क में आने के कारण करंट लगने से मौत हो गई। जिस बच्चे की मौत हुई है उसका नाम प्रत्यक्ष यादव बताया गया है। प्रत्यक्ष यादव के साथ हादसा उस समय हुआ जब वह खेलने के दौरान घर के ऊपर लगे टीन शेड में अटकी अपनी गेंद लेने पतरा शेड पर चढ़ा हुआ था, तभी छत के ऊपर से जा रही हाई वोल्टेज केबल के संपर्क में आ गया और करंट के झटके के चलते जगह पर ही तड़पते हुए कुछ ही पल में मौत की नींद सो गया, जिसके बाद क्षेत्र में सन्नाटा सा पसर गया। आपको बता दें, इस क्षेत्र में अनेकों अनाधिकृत चालियों का बांध काम किया जा चुका है। इस क्षेत्र से गुजरती हाई वोल्टेज बिजली के तारों को भी परवाह किए बगैर कुछ पैसों की लालच में भू माफिया बिल्डर इन चालियों का निर्माण करवा देते हैं। हाई वोल्टेज बिजली के तारों से सटकर इतने बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध बांध काम के बावजूद महावितरण अधिकारी और कर्मचारी मूकदर्शक बने रहते हैं, बल्कि इन अवैध निर्माताओं के हित चिंतक बने रहते हैं। इस वजह से एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ गई, ऐसा आरोप इस घटना के बाद स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। इधर देखिए सुलेश जी, बिजली के करंट से एक बच्चे की मौत, क्या ये पूरा हादसा हुआ था, कैसे हुआ ये? सर, बच्चा इधर खेल रहा था, सब लोग काम पे गए हुए थे, बच्चा बॉल लेने के लिए छत पे गया और गेट से चढ़ा ऊपर गया, बच्चे का बाल टच हुआ, उतनी वजह से सर पूरे बॉडी में उसके आ गया। उसके बाद जब आजू बाजू वाले सब देखे, तुरंत उसको वहाँ से हटाए, वो हटाने की हालत में नहीं था सर, केबल पे पड़ा था, बाद में उसको लकड़ी से हटा के जब देखे, जब हिल उल रहा है तो उसको वहाँ से उठा के सब लेके तुरंत नीचे उतारे, उसको उतार तुरंत सर इमरजेंसी में लेके तुरंत यहाँ से गए। लापरवाही है, किसकी लापरवाही की वजह से पूरा हादसा हुआ सर? लापरवाही सबसे पहले विद्युत विभाग की है सर, इसलिए क्योंकि हर कोई आता है इधर से, हर चीज़ के लिए आएगा, रीडिंग लेने के लिए आएगा, कोई चीज़ बिल नहीं भरोगे तो उसके बोलेंगे मीटर काट देंगे, इस चीज़ के लिए हमेशा टॉर्चर किया जाएगा। 12 बजे फ़ोन करेंगे, शाम को बोलेंगे कनेक्शन अगर नहीं भरे तो बिल काट देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, जब भी इधर आएंगे सब लोग, कोई कुछ करता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा है उसको सही कर दो। उधर देखेंगे अब डब्बा बारिश का गिरा हुआ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, साल भर हो गया वो ऐसे ही पड़ा है। क्या मांग है आपकी सर? हमारी मांग है बच्चे के साथ न्याय किया जाए और इसको सही सब सही किया जाए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।